देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर मेमन। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुनीर मेमन के साथ। पाकिस्तान की सियासत में एक और दिन, एक और अहम फैसला। इस्लामाबाद हाईकोर्ट की जानिब से खान साहब के हवाले से एक बड़ा फैसला सामने आया, जो कि यकीन तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और खान साहब के चाहने वालों के लिए एक बड़ा बेहतर फैसला सामने होगा। खान साहब के हवाले से जो मुकदमात जेर इल्तवा थे, खासतौर पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट यानी कि तोहीन अदालत के हवाले से जो मुकदमात इस्लामाबाद हाईकोर्ट बेंच के 5 रुकनी बेंच के आगे जेर समात थे, उन मुकदमात में खान साहब को क्लीन चिट मिल गया और खान साहब की माफी जो कि थी वो कबूल कर ली गई। इस मुकदमे के बाद खान साहब के चाहने वालों में यकीन तौर पर खुशी की लहर जरूर दौड़ी, लेकिन दूसरी जानब ये मुकदमा कितना ज्यादा अहमियत का हामिल था और इस मुकदमे में खान साहब को जो क्लीन चिट मिली उसके बाद सूरत हाल किस तरीके से आगे बढ़ेगी। गुज़श्ता दिनों में खान साहब जज साहिबा ज़ेबा चौधरी की अदालत में भी गए और उनसे वहाँ भी माफ़ी तलब करने की कोशिश की गई, लेकिन वो मुमकिन ना हो सका क्योंकि उस वक्त जज साहिबा वहाँ पे कमरा अदालत में या उनकी चैम्बर में मौजूद ना थी। लेकिन आज बिल आखिर इस मुकदमे का एक फैसला आया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए ये फैसला हर लिहाज से एक बेहतर फैसला सामने आया। हमारे गुज़श्ता प्रोग्राम में भी हमने इस बात का तस्करा किया था कि शायद जो फैसला होगा खान साहब के हक में आ सकता है, क्योंकि आमतौर पर जो सियासी कद है खान साहब का और जो जिस अंदाज से गुफ्तगू की गई थी, कहीं ना कहीं इस बात की गुंजाइश मौजूद थी कि खान साहब की जो लीगल टीम है खान साहब को इस मुकदमे से बाइज्जत तौर पर बरी कराने में कामयाब हो जाएगी। आज इसी हवाले से गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल है जनाब जहांगीर सैयद साहब, सीनियर सहाफी तजिया कार हैं। जरा इनसे गुफ्तगू करते हैं और जरा जानने की कोशिश करते हैं कि जो मुकदमे में खान साहब को क्लीन चिट मिली, इस हवाले से खान साहब की क्या कुछ कोशिशें थी, कहाँ कुछ गलती हुई, कहाँ कुछ ऐसी चीजें थी जो खान साहब शायद दोहराना ना चाहेंगे। जहांगीर साहब अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम जहांगीर साहब, ये मुकदमा हम पहले दिन से फॉलो कर रहे हैं और इम्कान जरूर थे कि शायद खान साहब को इस मुकदमे से बाइज्जत तौर बरी कर दिया जाएगा, लेकिन प्रेशर था, दोनों जानिब से प्रेशर था। जहां पे खान साहब के चाहने वालों का प्रेशर था तो वहीं पे मुस्लिम लीग नून और पीडीएम की तमाम तर सियासी जमातों का भी इस मुकदमे के ऊपर बड़ा एक गहरी नजर थी। खान साहब के हक में फैसला आ चुका, अदालतों का ये फैसला खान साहब के हक में आना, कभी मरियम नवाज के हक में आना, ये किस बात को की तरफ इशारा दे रहा है? आपने जो इंट्रो में सारी तफसीलात बताई, इतनी इनरिच आपकी नॉलेज थी उसमें कि बहुत सारी जो सवालात के तो जवाब उसमें मिल ही गए। अब रहा तबसरा भी गोया कि वो आपने तबसरा कर दिया, अब उसका तज्जिया किया, जुज़ियात पर हम गौर करते हैं कि वो अगर हम जोड़ें तो क्या पिक्चर बनती है और हकीकत बज़ाहिर क्या नज़र आती है। तज्जिया तो यही है ना भाई, हम कोई क्योंकि ख़बर तो दे नहीं दे रहे, हम तो उसके जुज़ियात को देख के अगर कोई चीज़ बनती है और समझ में आती है तो हम वो पेश कर देते हैं। अब ये है कि इस पूरे केस को आप देखें तो इसमें इतना गैप रखा था, इसमें इतना बफर रखा गया था, इतनी गुंजाइश रखी गई थी कि वो कहीं ना कहीं इमरान खान ये कोशिश करें जमहूरी क़ुव्वत के तौर पर, शायद अदालत को मैं ये नहीं कह रहा, हमें शायद लगा रहा हूँ, तज़िये का फ़ायदा उठा रहा हूँ कि शायद अदालत ये सोचती है कि एक जो है वो सियासी क़ुव्वत है और पॉपुलर है, पॉपुलरिटी के बुनियाद पर जो है उसने इतनी ताकत हासिल की हुई है, सियासी ताकत हासिल की हुई है और इतनी सारी जमातें उसका पूरी तौर पर मुकाबला कर नहीं पा रही। अगर इस वक्त अगर कोई नई चीज़ कर दी जाती और उसको जो है स्कफल कर दिया जाता है, हथकड़ी डाल के जेल में भेज दिया जाता और उसको उस पर ये फैसला सुना दिया जाता कि उन्होंने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किए तो ही नहीं अदालत की है जिसकी सज़ा ये बनती है, लेकिन जो एक्सरसाइज हुई उसमें ये है कि उनको एक दफ़ा मौका दिया गया, फिर अच्छा खासा एडजॉर्न किया गया, फिर उन बल्कि रिमार्क्स भी दे दिए गए कि अगर वो ऐसा करते हैं तो ये मुनासिब होता, अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो ये भी क्लियर कट उनको दिया गया। आगे जाके फिर ऐसा हुआ कि एक दफ़ा फिर जो है इस्लामाबाद का लार्जर बेंच ने देखा सूरत हाल को, फिर एक मौका दिया गया, उसके बाद उन्होंने जो चीज़ रखी थी फिर उन्होंने कहा कि वो अगर वहाँ जाएँ सिम्बॉलिकली अगर जाते हैं और ज़ेबा चौधरी की अदालत में, ज़ेबा चौधरी साहिबा जो जज हैं लोहर कोर्ट की, ये बड़ा सिम्बॉलिक था जी कि खान साहब वहाँ पर खुद अदालत में गए और वहाँ पे जाके कहा कि कहना कि माफ़ी मांगने आया था। देखिए उनकी जो अना जो है वो तो अपनी जगह पर मौजूद है, उन्होंने जो है ना जो अनकंडीशनल अपोलॉजी की एक अलग तारीफ है, वो सरेंडर करता है
कि जो भी है जैसा भी है जो कुछ भी हुआ वाकया हुआ वो और उसको मैं तस्लीम करता हूँ और इससे जो है अदालत की तोहीन का पहलू निकला है और मैं इसको तस्लीम करते हुए माफ़ी तलब करता हूँ। ये कोर्ट का जो अनकंडीशनल होता है उसमें अनकंडीशनल कोई कंडीशन नहीं, उसमें चूंकि चुनाचा नहीं लगता, शायद के नहीं लगता कि शायद मैंने ऐसा कर दिया हो, मैंने रेड लाइन क्रॉस कर दी हो, लेकिन उसके बावजूद भी चूंकि सूरत हाल ऐसी है कि अभी सारी चीज़ों को एक साथ देखना होता है। लेकिन जाकिर साहब एक सवाल ये है ना कि जब इस मुकदमे का आगाज़ हुआ तो तनकीद बनाया गया, हदफ तनकीद थे खान साहब की लीगल टीम, हामिद खान साहब जो कि इस मुकदमे की खान साहब के हवाले से लीगल काउंसिल थे, खान साहब की साइड से पैरवी कर रहे थे तमाम तर मुकदमे की, उनको भी तनकीद का निशाना बनाया गया। जब शुरू की समातों में खान साहब के हवाले से रिमार्क जो थे पॉजिटिव नहीं आ रहे थे, लेकिन फिर हमने देखा कि आहिस्ता आहिस्ता ATC की अदालतों से फैसला आया, वहां से खान साहब को रिलीफ मिला, वो जो दफात थी उनको रिमूव किया गया, फिर ये वाले मुकदमात में हम देख रहे हैं कि खान साहब को एक रिलीफ मिला, गो के हुकूमत ने गुज़श्ता दो दिन पहले रात को कोशिश की कि खान साहब के हवाले से एक वारंट गिरफ्तारी जारी करके खान साहब के ऊपर प्रेशर बिल्ड किया जाए, खान साहब को दबाव में डाला जाए, खान साहब को गिरफ्तार किया जाए, वो हुकूमत की कोशिश भी नाकाम रही। तो इस तमाम से सिनेरियो में क्या तब्दीली हुई है, क्या चीज में चेंज आया? देखिए एक तो जो है हामिद खान साहब की बात करते हैं, वो बहुत ज़बरदस्त किस्म के जो है वो वकील हैं और हाईली सीनियर और काफ़ी अरसे साथ हैं, साथ हैं और बानी मेंबरान में से उनके उनके साथ अगर उन्होंने आगाज़ किया है तो उस वक्त मौजूद थे जिसे पायनियर्स कहते हैं। तो ये लेकिन एक ऐसे चार पांच लोग ऐसे तहरीक में मौजूद हैं, तहरीक के इंसाफ में, जो चीज़ को हिला के रख देते हैं, जलजिले की कैफियत ले आते हैं, जिसमें फवाद चौधरी साहब हुए, शाम अहमद कुरैशी है, इसकी वजह से भयानक सूरत हाल नज़र आ रही थी। हर चीज़ को जो है उन्होंने बिल्कुल छक्के की सूरत में मारा और बाउंड्री पार करके जो है वो कहके लगाते रहे या खुशी का इजहार करते रहे। ऐसा अगर सियासी जमात चलानी है तो ये रवैया मुनासिब नहीं होता। अगर आप चाहते हैं कि जमहूरियत चलती रहे और कोई जिस तरह के खतरात मंडलाते हैं और जिससे शायद बचने के लिए भी इस लेकिन, तरह लेकिन के आप जमहूरियत के हवाले से खतरात का तस्करा करने जाएंगे साहब, दो दिन पहले जब ये वारंट जारी हो रहे थे उससे दो घंटे पहले मरियम नवाज साहिबा इस तरीके के बयान देती हैं कि खान साहब को गिरफ्तार होना चाहिए और दो घंटे बाद ही वारंट जारी कर दिए जाते हैं। ये तमाम दस सूरत हाल मुस्लिम लीग नून के भी फेवर में नहीं, क्योंकि इस तरह की बितलात आई कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानब से भी इस फैसले का खैर मकदम नहीं किया गया। बड़े आप बोले एंगल बहुत अच्छा देते हैं जिस पे बात करना जो है वो बड़ी तेज़ी के साथ इंसान पुरजोश हो जाता है। लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कि अगर आप पूरे तज़िया करें, आप ये देखें कि मरियम नवाज़ क्या कह रही है, उनकी पार्टी क्या कह रही है, ऐसा लगता है कि प्याली में तूफान खड़े करने के अलावा कुछ नहीं। उनको भी मालूम है कि ये तकरार और तसादम का वक्त नहीं है, सियासी तजादम, 3.5 करोड़ लोग जो है पानी में इस वक्त डूबे हुए हैं, समझे, और बहुत सारे मसाइल हैं जो हमला कर किया जा रहा है, फौजी मारे जा रहे हैं, शहीद किए जा रहे हैं, ये जो एक नई चीज़ लहर आई हुई है इसमें तो बहुत एहतियात की जरूरत है। लेकिन उसको प्रेशर को जब अफरा तफरी हो, लोग अफरा तफरी में मुब्तला हो, लोग दूसरी हंगामी कैफियत में मुब्तला हो, तो हुकूमत के लिए अपने कारनामे अंजाम देना थोड़े से आसान हो जाते हैं। अगर उनको महंगाई करनी है, उनको मामलात को तंग करना, आवाम के लिए मुश्किल बढ़ानी, तो हुकूमत आसानी तौर पर कर सकती है। कितनी अजीब सी बातें करती हैं मरियम नवाज साहिबा कि वो कहती हैं कि रात को अदालत खुली, आपके लिए भी खुली, उस वक्त तक इतनी हैरत अंगेज नहीं, उस वक्त तो कानून और की ज़रूरत समझा गया कि वो इतना इमरजेंट का था कि वो खोलनी चाहिए। ये सारा शोर गुल मचा के ये कुछ नहीं कर सकते, ना इमरान खान जो है वो एकदम लॉन्ग मार्च कर सकते हैं और ना उनको इजाज़त दी जाएगी, ना उनके पार्टी में, वरना गड़बड़ हो सकती है। और ये जो 10-11 के ये है, ये जो इत्तेहाद है इसमें भी इतना दम नहीं है कि ये सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन हवाई फायर तो कर सकते हैं ना दोनों तरफ। लेकिन जहांगीर साहब आप हवाई फायर की बात करें, सर वारंट जारी कर दिए खान साहब के हवाले से,
हुकूमत अगर संजीदा थी तो वारंट जारी ऐसे किए जाते कि लीगल एक्सपर्ट सब बता देते हैं कि किसमें कितनी लचक है, कितनी प्रोविजन ऑफ लॉ है। सर बेलेबल ऑफेंस के हवाले से अगर खान साहब के हवाले से हुकूमत वारंट जारी कर रही है, हुकूमती इदारे वारंट जारी कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कोई माइंड में कोई चीज तो होगी ना, कोई बैक ऑफ द माइंड कोई प्लान होगा, कोई प्लान ए होगा, कोई प्लान बी होगा, इस तरीके से तो नहीं वारंट जारी हो जाता। आपको भी पता है अगर खान वारंट जारी किए गए लेकिन उसकी कानूनी हैसियत को देखें और जो बेस लेस किस्म की चीजें रखी गई थी नीचे, जो कि जो है वो कानून की उनको इसका नतीजा यही निकलना था और उनको भी मालूम था, लेकिन वो अपना टेका बैठाने के लिए, क्योंकि वहाँ भी जो इनके बड़े सेंटर फॉरवर्ड किस्म के ये फवाद चौधरी साहब लोग हैं, तो इधर भी जो है वो निसार हैं और वो दूसरे अब हमारे वजीर दाखला की बात राणा सनाउल्ला साहब हैं। अब इस वक्त मरियम नवाज साहब तो फ्रंट फुट पे खेलती हुई नजर आ रही है। फ्रंट फुट पे जो है ना वो फ्रंट फुट पे तो होती हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि उनको अपनी विकेट जो है ना की भी फिक्र होती है कि कहीं रन आउट ना हो जाए, तो मोहतात भी होती हैं और लगती तो फ्रंट फुट पे है, लेकिन फुटवर्क उनका ठीक नहीं है। फुटवर्क उनका ठीक है यानी यकीन तौर पे ये वक्त साबित जरूर करेगा, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ सवालात इस तमाम तो सूरत हाल ने खड़े कर दिए। अगर हुकूमत तमाम तर मामलात को जानती थी समझती थी तो खान साहब के हवाले से जो वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए वो वारंट गिरफ्तारी क्यों जारी किए गए? आखिर वो कौन था जिसने हुकूमत को ये मशवरा दिया कि खान साहब को गिरफ्तार किया जाए? इस तरह की इत्तला सामने आई कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी समेत पीडीएम की मुतादिद जमातों ने इस फैसले के हवाले से अपने इजहार तशवीश का इजहार किया और ये बात भी बावर कराई कि इससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉपुलैरिटी के ग्राफ में मजीद इजाफा होगा। और वही कुछ देखने में आया कि जब अगले रोज खान साहब जलसागाह पहुंचे तो जलसागाह एक बार फिर से मुकम्मल तौर पर पैक नजर आई और अवाम का जम्मी कफीर वहां पर मौजूद था और अवाम का जोश व खरोश देखने के काबिल था। ये तमाम सूरत हाल में मजीद गुफ्तगू करेंगे। और ट्रांसजेंडर एक्ट ये भी एक बड़ा मसला रहा जो कि गुज़श्ता दिनों में तब्दीली आई, एक एक्ट पास किया गया, उसके ऊपर भी कुछ सरसरी सी गुफ्तगू करेंगे। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर मेमन। देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर मेमन। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। अब जरा समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर हुकूमत को मशवरे कौन दे रहा है, यहां पे हुकूमत की पॉलिसी साजी में कौन है जिसका किरदार अहम नजर आता है और कौन है जो हुकूमत की मौजूदा सोच के पीछे अपने दिमाग को इस्तेमाल कर रहा है। जंगी साहब, अगर हम मुस्लिम लीग नून की बात करें, क्योंकि अगर पीडीएम की हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं डिफरेंस ऑफ ओपिनियन भी नजर आ रहा है। मुस्लिम लीग नून की अगर हम बात करते हैं तो वहां पर एक स्ट्रैटेजी डिफरेंट है। इसहाक डार का वतन वापसी आ जाना, मरियम नवाज साहिबा का पासपोर्ट उनको मिल जाना, फिर मरियम नवाज साहिबा का फिर से सियासत उस तरीके से एक्टिव होना और मुतजाद बयान देना, नैब तरमीम की बिल के हवाले से मिफ्ता इस्माइल साहब के बयान है वो बड़ा जबरदस्त है, और वो नैब तरमीम बिल के हवाले से उन्होंने तो कहा कि ये तरामीम हमारी तरफ से नहीं आई बल्कि कुछ खास इदारों की तरफ से ये तरामीम पेश की गई। सर ये जो सूरत हाल है ये कौन है जो इस वक्त मौजूदा हुकूमत को चला रहा है? कोई तो है जो निज़ाम हस्ती वो उधर चला रहा है और निज़ाम हुकूमत या सियासत इधर चला रहा है, कोई तो है ना जो पर्दे में होता है। यहाँ भी पर्दे में, इंसानों के पर्दे में। सर ये पर्दा लंदन से लंदन में आश्कार होगा? ये जो काम होते हैं ना धरपर्दा होते हैं और ये लोग एक स्ट्रेटेजी के तौर पर, एक हिकमत की अमली के तौर पर नए नए नाम रख के आ जाते हैं, किसी को कुछ कहा जाता है, किसी को कुछ कहा जाता है और कन्फ्यूजन। अब ये XY क्या है भाई, XY क्या है, एक्स कोई है, YZ क्या है, ये कोई बात है? तो आप खुद अंदाजे लगाएं, खुद जो है अपना तजिया बनाएं और खुद वो जो है हवा में छोड़ें और वो दूसरे दिन दूसरी एंगल दे दें कि नहीं नहीं इससे मुराद ये है। तो ये कन्फ्यूजन जो है ना, कन्फ्यूजन फैला के क्यों हो, क्यों की जा रही कन्फ्यूजन जहांगीर साहब, जब सूरत हाल इतनी वाजह है और आप कह रहे हैं कि आप कॉन्फिडेंट है अपनी हुकूमत को लेके,
तो फिर आपको क्यों इस तरह के बयान देने की जरूरत पड़ रही है कि नैब तरामीम के पीछे हम नहीं थे, कौन कह रहा है, ये लोग कह रहे हैं, मरियम नवाज कह रही है, सर मुस्लिम लीग नून की पार्टी कह रही है, उनके लोग कह रहे हैं। सुने आप मीडिया को देखें, अखबार को देखें, टीवी को देखें, अब नवाज शरीफ के बयान को देखें, इसहाक डार के बयान को देखें कि ये जो हुकूमत ने, हमने ये कहा था कि इख्तदार में नहीं आएंगे, जल्दी इलेक्शन हो गए और ये इन्होंने गलती की है, ये कॉन्फिडेंस है उनका, ये कॉन्फिडेंस है इसहाक डार आ गए ना इख्तदार में, ये तो दूसरी बात है। उन्होंने जो भी कुछ कहा, जो भी उलट फेर के कहा, उनके यहाँ यू टर्न है, ये जरा डब्ल्यू टर्न है, ये जो ना जिगजैग तरीके से ये काटते हैं, ये सारी चीजें तो वही है ना। मसला सिर्फ ये है कि इनको एक इन्होंने इनका ये है कि पूरी टाइम पास करें, डेढ़ साल पास करें, कुछ पास हो गया है, चार महीने गुजर गए और इलेक्शन में जाएं और उस वक्त तक बेहतर इलेक्शन में क्या लेके जाएंगे, कारकर्दगी या आवाम की आवाम के ताने या आवाम से जो कुछ इस वक्त हृदय में ला रहा है वो लेके जाएंगे इलेक्शन में। एक बात बताएं, कारकर्दगी की बुनियाद पे कौन इख्तदार में आया पाकिस्तान के बाद, कोई तो पैमाना होगा ना। खान साहब कहते हैं 3-3.5 साल जो मैंने की ना, उसमें कोविड था, कोविड की वजह से हम उस तरीके से जो करना चाहते थे नहीं कर सके, इससे बात एक तरीके से कि इससे पहले दुनिया में इस तरह की तबाही देखी नहीं गई। फिर हम सैलाब की बात करते हैं, जो मौजूदा हुकूमत आती है तो इतना बड़ा सैलाब आ जाता है कि वो भी पाकिस्तान की तारीख में उस तरीके से उसकी मिसाल नहीं मिलती, तो मौजूदा हुकूमत के पास भी एक जवाब आ जाता है। तो अगर आवाम जवाब इनके मान लेती है तो आवाम खुद कहाँ खड़ी है सर। एक काम बड़ी ज़बरदस्त बात की, सैलाब आ गया, एक जवाब आ गया, जब सैलाब नहीं था कि लोगों को अंदरून सिंध के या पूरे पाकिस्तान के जो देहात के लोग हैं, गांव के लोग हैं, क्या उनको रोटी मिल रही थी पूरी तरह, वो जो है आज़ाद थे क्या, जो है वो उनके साथ उनके जो वडेरा शाही थी उनको स्कफल नहीं किए हुए थे, उन पे इख्तदार नहीं कर रहे थे। ये तो रीज़न 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 एक टैक्टिस होती है, अगर इससे बड़ा जलजला आ जाए तो वो रीज़न, अगर ईरान में कुछ हो जाए तो उसका रीज़न क्या, हम मुतासिर हो रहे हैं, अफगानिस्तान में हो तो उसका सर आ रहा है। ये रीज़न जिसको कुछ करना नहीं होता उनके पास रीज़न ही तो होते हैं, जवाब होता है, गढ़ते हैं, आगे बढ़ाते हैं, अंधेरा फॉग बनाते हैं, समझे, ग्रे एरिया बनाते हैं, ग्रे एरिया में खेलते हैं, ये तो टैक्टिक्स है इनकी सर। सर क्या टैक्टिक्स क्या बात कर जाएंगे सर, मुझे एक बात बताएं, अभी ट्रांसजेंडर एक्ट की बात कर लेते हैं, तमाम तर शोरगुल था, हुकूमत से शायद अवामी मफाद के फैसले ना हो सके लेकिन हुकूमत ने ट्रांसजेंडर एक्ट पास कर दिया जिसमें ना कौम को एतमाद में लिया गया, ना उलमा को एतमाद में लिया गया, इस्लामी नजरियाती काउंसिल ने इस एक्ट के हवाले से अपनी तशवीश का इजहार किया, उन्होंने इस मुकदमे को इलीगल करार दिया। सर ये जब हुकूमत की ये तरजीहात में शामिल होगा तो हुकूमत कैसे आगे सर्वाइव कर सकेगी। ट्रांसजेंडर मतलब ये है कि जिनसी तौर पर अब असली से दूसरी समत में उसका झुकाव हो और उसका अब अगर वो माइनर वो जो अगर मेल है तो वो फील मेल हो, इस तरह की बातें जब होती हैं तो इस तरह की बातें जो होती हैं तो ये मुतासिर करते हैं। ट्रांसजेंडर एक्ट एक ऐसी एक बहुत बड़ी आलमी साजिश का एक हिस्सा है जिसके तहत वो हमसे ये चाहते हैं यूरोप वाले जो मग़रिब वाले कि उनका कल्चर यहाँ है, इसको वो इंसानी आज़ादी आप कह रहे ना सर, ये सर हुकूमत नहीं कह रही, हुकूमत तो उसको कुछ और कह रही है और कहीं ना कहीं अगर आज इस कानून के हवाले से ये बाम पाया जा रहा है, खदशात पाए जा रहे हैं तो पाकिस्तान में मौजूद जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी है उसके साथ भी नाइंसाफी हो रही है, क्योंकि ये एक मौका था उनको हुकूक दिलाने का, उनके हवाले से जो मसाइल उनको हल करने का, हुकूमत ने इस तमाम तर अमल को इतना ज्यादा शेडी कर दिया कि आज वो तमाम तर चीज़ों पर एक बड़ा सवाल निशान लग गया। देखिए एक ही फोर्स है जो ये बड़े अरसे से ये गेम कर रही है और पाकिस्तान का कल्चर बदलना चाहती है, इस्लामोफोबिया का एक बहाना बना रहे हैं एक तरफ ये और दूसरी तरफ इस्लामोफोबिया का तो वहाँ कुछ और मतलब निकालते हैं, लेकिन यहाँ ये बात ये है कि ये चाहते हैं जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिर उज़्ज़मा की हैसियत से उनका एक था, आखिर में इसी पुरानी हुकूमत ने और नई हुकूमत ने यकसा कोशिश की कि वो जो है वो हट जाए,
जो जिसकी तस्दीक ना करते थे नादरा में ये वो हट जाए, जब लोगों का रिएक्शन आया तो उन्होंने अपने आकाओं को, बैरूनी आकाओं को एक जवाब दे दिया कि यहाँ तो बड़ा रिएक्शन है, ये तो उखाड़ फेंकेंगे, ये खून खराब हो जाएगा, आप जो है ना वापस ले ले सर। लेकिन मेरा बड़ा सिंपल सा सवाल है सर, मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान में जो ट्रांसजेंडर के जो राइट्स हैं, हम सब समझते हैं उसके ऊपर काम होना चाहिए था, हुकूमत के पास ये अपॉर्चुनिटी थी सर, हुकूमत के पास ये अपॉर्चुनिटी थी कि उन लोगों की महरूमियों के हवाले से एक बेहतर कानून साजी की जाती, ताकि आने वाले दौर में इस तरह के जो लोग हैं जो कि बड़े ही खास होते हैं उनके लिए एक बेहतर उनकी उनके फ्यूचर को एक यकीनी बनाया जाता। सर हुकूमत ने इस तमाम तर अमल को इतना तश्वीशनाक बना दिया, इतना बड़ा सवालिया निशान बना दिया कि आज इसके ऊपर सवाल उठ रहे हैं, और एक अच्छा काम भी अगर हो सकता था तो वो भी नहीं हो पाया। अच्छा काम क्या होता है जो ये जो आ रहा ना, अच्छा काम जो आपने सर होना तो अच्छे के लिए था ना, अब इसमें अच्छाई का पहलू है नहीं ना भाई साहब। सर होना चाहिए था ना, होना तो यही चाहिए। जिस तरफ आप इशारा कर रहे हैं कि अगर उन पे कोई नक्स है और उनकी जो तस्दीक होती है, उनकी तौकीर होनी चाहिए, उनकी इज्जत होनी चाहिए, उनको जॉब मिलनी चाहिए, उनकी तालीम के मसाइल हल होने चाहिए, उनको कोई अच्छे से नाम देके जिस चीज के लिए कुदरत ने उन्हें मुंतखब नहीं किया या उनमें कमी है, तो वो जो है उस चीज़ के लिए उनको मुंतखब किया जा रहा है। अब एक औरत है ये और एक मर्द है, ये तो सब समझ में आता है कि निकाह किया जाता है, और उसमें देखें जो सेक्स होता है यूरोप में आयाशी का जरिया होता है, हमारे यहाँ सेक्स नस्ल परवरी का जरिया होता है कि वो नस्ल बढ़ती है उससे शादी होती है, ये एक बड़ा मकसद होता है। लेकिन उनके यहाँ ये बड़ा मकसद है नहीं कि वो शादी करें, उनके लिए हलाल अदब का है ना, उनके लिए तो चाहते हैं ना सर, ये उनके लिए मेरे भाई आप ये समझे कि उनकी सबसे बड़ी ख्वाहिश, सबसे बड़ा एजेंडा वो है कि सारी दुनिया जो है वो हरामुल नस्ल हो, उन्हीं तरह हो। और अभी वहां की अमेरिका की गवर्नमेंट ने जो फैक्ट्स एंड फिगर्स दिए थे कि 90% जो है इलिसिट लोग हैं, ना जायज औलाद है, माँ बाप के बगैर है, उसके आप उसकी साइकी आप देख लें, जिसके जिसके माँ बाप ना हो और जो हरामकारी के नतीजे में पैदा हो उसके क्या मसाइल है। यहाँ तो आप सिर्फ टैग लगा के लोगों को मौका दे रहे हैं। अगर मैं अपने आप को बदल दूं, अगर एक एक बीमारी होती है नफ्सियात में, मुझे अटैचमेंट है थोड़ी सी, तो वो कहते हैं कुछ लोगों को आवाजें आती हैं कि कुत्ता भोंकता है उनमें, तो उसको उसके लिख दें कि आपकी इनकी सोच है कुत्ता भोंकता है और उसका यकीन है कि कुत्ता भोंकता है, लिहाजा इसको कुत्ते की शक्ल में। सर वैसे एक जानकर साहब आपने बिल्कुल सही मिसाल दी, लेकिन मुझे बताएं कि इस तमाम सिनेरियो में जब इतने सारी आवाजें उठ रही हैं, इतने सारे लोग एहतजाज भी कर रहे हैं, सोशल मीडिया के ऊपर भी इसके बारे में काफी ज्यादा रद्द अमल आ रहा है सर, कोई एक हुकूमती नुमाइंदा आके इस कानून की वजाहत करने के लिए तैयार नहीं है, कोई एक हुकूमती नुमाइंदा इसको आके ओन करने के लिए तैयार नहीं है। मुझे सबसे बड़ी सेनेट में तरीके इंसाफ की जाने से सबसे इसके हवाले से जी, ये जो ना सन 2018 में एक बिल पेश किया, बिल हमेशा ले होता है ना, उसको पेश किया जाता है और उस पे जो पेश करते हैं वो उसके हिमायती होते हैं, उसके पार्टी डिसिप्लिन के तहत ये माना जाता है कि ये पार्टी के सारे वोट इस बिल के साथ है। यही बिल पेश किया गया और उसके बाद ये जो है वो पड़ा रहा और उस पर फैसला नहीं हुआ। अब ये हुकूमत भी बदली, जब भी इसमें कोई बात नहीं की गई, अब जो है अब आया तो उसको जो है वो एक्ट बनाने की कोशिश की गई और जब शोर मचा, कानून का हिस्सा बना, कानून का हिस्सा, वो भी कानून जमहूरी आईनी एवानों से सारे तरामीम इस तरह के कानून क्यों पेश किए जाते हैं? आम आवाम का कि इसमें राय शुमारी ली जानी चाहिए, आम आवाम को इसके बारे में कॉन्फिडेंस में लिया जाना चाहिए सर। दीगर स्टेक होल्डर्स हैं पाकिस्तान में, इस्लामी नजरियाती काउंसिल, इस तरह के इदारे हैं, उलमा हैं। इस्लामी नजरियाती काउंसिल की बात आप बड़े फख्र से कर रहे हैं कि ये बड़ा, जैसे कि आप उन पे ये बता दें कि सूद जिसके बारे में कहा जाता है कि वो खुदा के खिलाफ जो है बगावत है, खुली जंग है, आप ये बताएं कि किसने क्या कर लिया, ये तजवीजें देना, ये बातें करना,
उसके लिए उसका पावर नहीं हो, काउंसल है, काउंसलर उसका पावर ये नहीं है कि उसमें देखिए एक बात मुझे सबसे बड़ा जो अफसोस हुआ, ये सारी कोशिश में हजरत मौलाना मुद्दजल्लो ताला अली फजलुर रहमान साहब अब वहां बैठे हुए हैं, एक आवाज सुनी आपने कि ये हरामकारी का बिल पेश किया जा रहा है? सर ऐसे खान साहब के दौर में होता तो शायद आवाज सुन लेते आप और मैं। यार ये तो कोई बात हुई यार, ये सर उनके सियासी साथी हैं सर, वो उनके अभी भी ये कह के अभी भी ये कह लेते हैं, लेकिन अभी ये भी कह लेते हैं कि ये तो जो ना ले किया हुआ वो जो था वो तो उनका था, वो जो मगरबी परस्त हैं सर। लेकिन सवाल जाने सर, मैं ब्रेक पे भी जाना है, ये बताएं कि बहुत सी हमारे मुल्क में सियासी जमातें, इस्लामी सियासी जमातें हैं जो मजहब के नाम पे तश्कील में एक जमात है जो आज भी सिराजुल हक जो है वो नहीं सर, तहरीके लबैक पाकिस्तान भी है, इस तरह की दीगर जमात सर वो हिमायत कर रहा है, वो उस तरीके का जमात इस्लामी का आज बयान देखा मैंने सिराजुल हक साहब का जी कि ये हरामकारी का बिल है, वो तो बल्कि वो तो बड़ा खुल के इसके ऊपर सामने आ रहे हैं, वो तो इसके ऊपर बहुत क्लियरली कह रहे हैं कि हम इस बिल को मुस्तरद करते हैं। सर क्यों नहीं इस तरीके का रद्द अमल आ रहा जो दीगर मामला के ऊपर सामने आता? देखिए बड़ी बारीक चीज है, वारदात होती है, वारदात हाँ वारदात है ना, ये वारदातें हैं और लेकिन उसकी एक वारदात ये, हमारे यहाँ जो मुफादात होते हैं वो बैरूनी मुफादात की प्रोटेक्शन हो या अंदरूनी मुफादात की का तहफ़ुज़ हो, उसमें एक कतरी होता है ला कानूनियत को कानून बना के ताकत के ये वोट के बिल पे यही ऐवान जो है पास कर देते हैं, फिर कहते हैं ये कानून है। अरे कानून है तो कानून भी तो आपने बनाया है, कानून को भी तो फिर अदलिया को बाउंड किया जाता है कि उस कानून की कानून नजर में फैसले करे। अब कानून जो बड़ी दिलेर नजर आती है अदलिया, उसको कानून रख दिया कि नैब की तरमीम हो गई है, 50 करोड़ रुपए तक अगर आपने फ्रॉड किए हैं तो वो फ्रॉड नहीं है, हाँ अगर 50 रुपए किसी ने चुरा लिए हैं तो उस पर केस भी बनेगा, उसको सजा भी होगी, उसको जुर्माना भी होगा। और यकीन तौर पर बड़ा अहम मौजू भी है, इसके ऊपर भी जरूर आने वाले दिनों में बात करेंगे। लेकिन इस वक्त इस्लामाबाद की बड़ी अहम सूरत हाल है जहांगीर साहब, किसानों का एक बड़ा एहतजाज इस वक्त इस्लामाबाद में मौजूद है, धरना दिया जा रहा है। इतलात है कि इस वक्त कुछ मुलाकातें जारी हैं, लेकिन उस मुलाकातों के पसे पर्दा क्या कुछ हो रहा है इसके ऊपर बात करेंगे। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं और फिर उनके रहनुमा हमारे साथ होंगे, जरा उनसे जानेंगे कि अब सूरत हाल क्या है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आ जाते हैं। आप देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर मेमन।